साउथर्न एक्टिवा के एपिसोड 59 में आज मैं आपको बेंगलुरु से जहाँ पर द हुड हॉस्टल में मैं रुका था वहाँ से बेलगावी जो कर्नाटका में आया हुआ है वहाँ तक पहुँचूंगा जिसकी दूरी 513 किलोमीटर है। वेलकम बैक मजा रोमिल ट्रैवल, मेरा नाम रोहन चल उपाध्याय। जैसे कि आपको पता है कि कल मैं यहाँ पे बेंगलुरु या बेंगलोर कहते हैं वहाँ पहुँचा तो बहुत ट्रैफिक था। मतलब यहाँ पे लाइक मेरा करीबन देखा था 6 किलोमीटर के लिए भी वो आधा घंटा दिखा, इतना यहाँ पे ट्रैफिक था। और अभी टाइमिंग की बात करूँ तो करीबन 7:11 हुई है। मुझे एक थोड़ा टूर देना था पर कुछ मेरे जो डॉम में कुछ लोग सो रहे थे तो उन्होंने लाइट बंद करने को बोल दिया कि थोड़ा लाइट बंद कर दो क्योंकि आज हॉलीडे ना, क्योंकि ऑफिस मतलब ऑफिस पर छुट्टी होती है तो सब सो रहे थे। पर द हुड हॉस्टल काफ़ी अच्छी, अगर आप बेंगलोर आते हो तो आप यहाँ पे स्टे ले सकते हो। कल जो हालत ख़राब हुई थी, कल मैंने सोचा कि कल है ना मैं कुछ खाने के लिए जोमेटो या स्विगी से मंगा लेता हूँ। एक तो जोमेटो से आने के लिए बहुत एक्स्ट्रा पैसे ले रहे थे, दूसरा बहुत टाइम ले रहे थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था। जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि भाई लाइक बेंगलोर है वो पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट पोजिशन पर आता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, और सही भी था। मुझे लगा कि या तो बॉम्बे से भी मुंबई से भी ज़्यादा ट्रैफिक है, और जब मैंने देखा तो ये सही था क्योंकि बेंगलोर फर्स्ट पोजीशन पे आता है ट्रैफिक पर। तो आज की जो मैंने लोकेशन डाली है वो है बेंगलुरु से कोल्हापुर, जिसकी दूरी 1619 किलोमीटर है। इतना तो नहीं चला पाऊँगा पर लाइक मैंने इतने किलोमीटर की डाल दी क्योंकि कहीं सिटी विटी में ना चला जाऊँ मैं तो हाईवे पर ही रहूँ, इसलिए इतनी की लोकेशन डाली है मैंने। पर देखते हैं कि चला पाएंगे तो चला लेंगे, वैसे तो 608 किलोमीटर 619 किलोमीटर तो नहीं चला पाएंगे। उससे मैक्सिमम कल मैंने 509 किलोमीटर कवर किए थे तो आज भी उतना ही 500 किलोमीटर कवर करने की कोशिश करेंगे। और सारा सामान यहाँ पे लोड कर दिया है बहुत हॉस्टल। सो फाइनली मैं तो हुड हॉस्टल बेंगलुरु से निकल रहा हूँ। यहाँ पे मेरा माइक बंद हो गया था तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वैसे तो मैं निकलते फिर हर बार अपना माइक चेक करता हूँ पर इस बार रह गया था और इसी बार प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पर मेरा एक्टिवा है और यहाँ पर तो हुड हॉस्टल है। अगर कोई भी बेंगलुरु आता है और जिनको स्टे लेना है, जैसे कि बहुत से लोग मेरी तरह हॉस्टल ढूंढते हैं, तो यहाँ पर स्टे ले सकता है, काफ़ी अच्छी हॉस्टल है। तो मैं जब कल यहाँ पर आया था तो कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। वैसे तो अभी सुबह का वक्त है तो इतना यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, और ये बेंगलुरु एक काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पर आपको अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ पे खाने में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ है तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके का खाना भी ट्राई कर सकते हो। सो अभी करीबन 7:30 ही हुए है और मैंने सोचा था कि मैं जल्दी सुबह इसलिए निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा और मैं जल्दी हाईवे तक पहुँच जाऊँगा। पर यहाँ पे मुझे 7:30 को भी बहुत ट्रैफिक मिला और यहाँ पे सारे सिग्नल्स ऑन थे, और बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर रात को भी सिग्नल्स ऑन होते हैं और यहाँ पर आपको सारे सिग्नल्स फॉलो करने पड़ते हैं वरना आपका चलान कट जाएगा। बेंगलुरु में आपको ज़्यादातर सारी कंपनियों के यहाँ पर शोरूम्स मिल जाएंगे तो कोई भी अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आती है तो बेंगलुरु एक काफ़ी अच्छी जगह है। मैसूर रोड लेफ्ट साइड पर है, केआर मार्केट लेफ्ट साइड पर है, कॉरपोरेशन लेफ्ट साइड पर है, रिचमोंड सर्कल वो भी लेफ्ट साइड पर है, और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीधा है। और यहाँ पे बेंगलुरु में जाते वक्त मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली इसमें हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर एक मेरे सब्सक्राइबर थे तो उनसे बात कर रहे थे कि आप कहाँ पर जा रहे हो, और यहाँ पर भैया खड़े थे और मुझे दिखे नहीं, और वहाँ पे मेरा एक्टिवा गलती से थोड़ा ठूक गया। वैसे तो अंकल काफ़ी अच्छे थे तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था और इनको इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, तो ये जो भैया थे जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो ट्रांसलेट करके मुझे बता रहे थे। वैसे कुछ हुआ नहीं है मुझे, मैं एकदम सेफ हूँ, पर यहाँ पर एक्टिवा में छोटा सा डेंट और यहाँ पर जो क्रैश गार्ड जैसा होता है वो थोड़ा सा बेंड हो गया और एक स्क्रू यहाँ पर निकल गया है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था क्योंकि एक तो ये अपना शहर नहीं है और ऊपर से लैंग्वेज में भी इश्यूज चल रहे थे, पर भैया ने यहाँ पर बात करके सब सॉर्ट आउट कर दिया, और वैसे तो अंकल भी काफ़ी अच्छे थे तो उन्होंने भी कुछ बोला नहीं। सो अभी मैंने जो ऊपर देख रहे हो ये मेट्रो है, मुंबई 980 किलोमीटर, मैंगलोर
346 किलोमीटर, टुमकुर 46 किलोमीटर ये स्ट्रेट है और नीलमंगला ये 6 किलोमीटर लेफ्ट है। वेलकम टू टुमकुर, पुणे सीधा टुमकुर लेफ्ट, सिमगोला लेफ्ट, ऐसे कुछ जगह थी। तो इस टोल गेट का नाम करे जावनहाली टोल बूथ है और ये टोल बूथ काफी अच्छा था क्योंकि यहाँ पर बाहर काफी सारे खाने पीने की चीजें थी। तो यहाँ पर हाईवे पर शायद से कुछ रीजन से बहुत ट्रैफिक लग चुका था तो मैं सर्विस रोड पर आ गया और ये मेरा रीजन काफी अच्छा था क्योंकि मैंने करीबन 1 किलोमीटर सर्विस रोड पर कवर कर लिया था और मैं काफी आगे आ चुका था। और अभी इस जगह की बात करूं तो इस जगह का नाम चिकनहाली जगह है। तो अभी यहाँ पे पेट्रोल कम था तो सोचा कि एक्टिवा में पेट्रोल भी रिफिल कर देते हैं क्योंकि करीबन 1 पॉइंट ही पेट्रोल था। तो यहाँ पर करीबन 400 रुपीज का पेट्रोल रिफिल हुआ है। सो अभी करीबन 10:25 हुई है तो सोचा कि थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं और बाद में अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी किलोमीटर चला लिया है और एक प्रॉपर ब्रेक नहीं ली थी। तो अभी करीबन 10:30 हो चुकी है और एक्टिवा को काफ़ी चला लिया था और आई थिंक मैंने 150 किलोमीटर प्लस ही चला लिया। तो सोचा कि एक काम करते हैं, एक्टिवा को भी थोड़ा ठंडा रखते हैं और खाना वाना खा लेते, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक मतलब होंडा का जो सर्विस सेंटर है ना वहाँ पे जा रहा हूँ। एक्चुअली वो जो चित्रदुर्गा में है उसका नाम गजेंद्र होंडा है। तो एक्चुअली वहाँ पे मेरा ऑयल चेंज करवाना है एक्टिवा का और ब्रेक टाइट करवानी है। दूसरा उसके एक्चुअली मेरा जब वो एक्टिवा ठुका ना मेरा तो उसका जो एक्चुअली आगे का जो एक क्या कहते हैं गार्ड ऐसा कुछ होता है क्रैश गार्ड, तो उस पर एक स्क्रू निकल गया, थोड़ा सा डेंट पड़ा है तो वो दिखा देंगे। अगर वो ठीक हुआ तो देख लेंगे क्या है, बस यही काम करना है। पर अभी एक मैंने इडली बड़ा मंगवाया है। चलो खाना खा लिया है, हम निकलते हैं। काफ़ी मस्त खाना था यार। मैं आपको एक बार होटल का नाम बताता हूँ। और हाँ, मुझे याद आया, गजेंद्र जो होंडा था ना, मतलब जो चित्रदुर्गा में आने वाला था, तो वो एक्चुअली आज रविवार है ना तो क्लोज था। एक्चुअली उस पर लिख के आया जो मैंने लोकेशन डाली ना कि गजेंद्र होंडा क्लोज टूडे। यार इसका नाम क्या है, होटल साई पैलेस, बहुत सही होटल है यार। करीबन मैंने 3 इडली खाई, 1 वड़ा खाया और चाय तो क्या सुपर चाय भैया। पूरे साउथ ट्रिप में मेरे को सबसे अच्छी चाय यहाँ पे लगी, होटल साई, मतलब जो एकदम जो टेस्ट आता है ना मसाले चाय का, वैसा ही टेस्ट था। अभी एक्टिवा भी काफ़ी ठंडा हो गया, मतलब समझ लो 45 मिनट की तो ब्रेक हो ही गई थी। अभी पेट एकदम फुल हो गया, अब ऐसा लग नहीं ना कि अभी लंच करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी टाइम की बात करूँ तो अभी करीबन 10:55 हुई है। कुछ खास है ही नहीं यार रोड पर यार। तो टोल प्लाजा का नाम क्या है, गुलियाल टोल प्लाजा, बड़ा अजीब नाम है यार। ओए अरे यार, कुछ ज़्यादा ही बड़ा रास्ता नहीं दे दिया इन्होंने। चलो चलो 1 2 3 हमारे विंड मिल्स देखो कितनी सारी है। चित्रदुर्गा लेफ्ट, देवनगरी सीधा, हॉस्पेट हौजापेट सीधा, पुणे सीधा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
टुमकुर चित्रदुर्गा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अभी करीबन 11:55 मतलब सब लोग 12 बज ही गए और कोल्हापुर पहुँचने में करीबन 7 बज जाएंगे वैसा गूगल मैप कह रही है, पर मैं कोल्हापुर तक पहुँचने नहीं वाला ऐसा लग रहा है क्योंकि कोल्हापुर अभी भी 420 किलोमीटर के आसपास है। तो देखते हैं कहाँ तक चला पाते हैं, वहाँ तक चलाएंगे। और ये बाल की हालत देखो, हेलमेट पहनने के बाद यही हालत होती है। और अभी देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा हिल रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा डेंट आया है छोटा सा, और बस, और इसका स्क्रू निकल गया है। एक्चुअली क्या है कि मैं चित्रदुर्गा में जो होंडा का जो सर्विस सेंटर था वहाँ पे जाने वाला था, पर आज संडे है तो बंद है। हवेरी 24 किलोमीटर, हुबली 101 किलोमीटर सीधा है। सो यहाँ पर छाव दिखी थी तो सोचा के खड़े रहते हैं क्योंकि एक्टिवा को चला लिया है। और लाइक मुझे कोई रेस्टोरेंट में खड़ा रहना था पर कोई रेस्टोरेंट दिख ही नहीं रहा, पूरा रोड खाली ही है, एक पेट्रोल पंप पीछे गया था बस वही था। सो कहीं ना कहीं ये हाईवे पर अभी कोई भी डिवाइडर नहीं है तो दोनों साइड से व्हीकल आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में रॉन्ग साइड पर व्हीकल चला रहे हैं। तो यहाँ पर एक टोल गेट आया था पर उसका कुछ भी नाम नहीं लिखा था। तो अभी मैंने पेट्रोल रिफिल कराया है और करीबन 300 रुपीज़ का पेट्रोल आया है। तो मुझे काफ़ी टाइम के बाद राजस्थानी ढाबा दिखा तो सोचा कि आज राजस्थानी ढाबा में खाना खाते हैं। सो अभी करीबन 4:35 हो चुके हैं और मैंने आपको एक्जैक्ट बताया अभी तक मैंने कितनी एक्टिवा चलाया, मतलब टोटल मैंने 453 किलोमीटर अपना एक्टिवा चला लिया है। और मैंने जो सुबह करीबन 10 बजे जो ब्रेकफास्ट किया था ना बस वही किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया तो भूख लग रही थी और एक्टिवा को भी काफ़ी चला लिया था। तो सोचा कि काम करते कि शादी से खड़े मतलब कोई रेस्टोरेंट देखते हैं अच्छा सा वहाँ पे खाना खाते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही थी ना कि टोल प्लाजा तक अच्छे मतलब रेस्टोरेंट कुछ रेस्टोरेंट आ रहे थे, बाद में कुछ तो बंद ही थे और उसके बाद तो कुछ आ ही नहीं रहा था, सिर्फ पेट्रोल पम्प भी आ रहे थे। तो एक राजस्थानी कुछ होटल दिखी थी, मैंने सोचा यहाँ पे खड़े रहते आगे आगे करके कुछ मिलने वाला है नहीं, तो राजस्थानी ढाबा था। तो मैंने यहाँ पे कौन सी सब्जी थी, सेव भाजी मिल्क और 3 रोटी मंगाई है, देखते कैसी है। चलो ये पंजाबी ढाबा में खाना खा लिया है और खाना अच्छा था। अभी मैंने जगह फाइनल की है, कि मैं कोई बैलगाड़ी करके जगह है वहाँ पे रुकने वाला हूँ क्योंकि कोल्हापुर तो थोड़ा सा मतलब मैं कोल्हापुर तो पहुँच जाऊँ पर बहुत लेट घंटा 4 मिनट लगेंगे, 6:12 को मैं पहुँचूँगा। ये क्या लिखा है, बेलगवी सीधा एमके हुबली, और भी कुछ लिखा था वो राइट साइड पर है। ओके अशोका बेलगम धरवार टोलवे। ओके
तो एक होटल अभी फाइनलाइज करिए, देखते हैं मतलब लोकेशन भेजी है पापा ने तो बोला कि देख ले, अगर सही लगे तो रह लेना वरना आगे तो देखते हुए होटल। तो कुछ 500 to 600 रुपीस कह रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसी होटल है, रूम पसंद आएगा तो ले लेंगे वरना कोई बात नहीं आगे देख लेंगे। तो चलो, तो जो होटल थी वो साइड में ही है। हाँ ये रहा ना सुवर्ण वेज। रूम के लिए इंक्वायरी की। हाँ रूम तो सही लग रहा है, 500 का बोल रहे हैं, सही रूम है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी साउथ हर्ड के एपिसोड 60 में मैं आपको बेलगावी से लोनावला तक जाऊंगा, उसके बारे में दिखाऊंगा। चैनल पर करीबन 320 से अधिक वीडियोस बनाए, जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो।